Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल और हमास के युद्ध का पूरा एक साल होने जा रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने के बजाय फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया ने इस युद्ध को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इन सब के बीच लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। जब से इजराइल ने गाजा पर हमला बोला है, तब से लगातार हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्ला पर एक ऐसा हमला किया है जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान है, बल्कि आतंकी संगठन हिजबुल्ला में भी डर का माहौल है। दरअसल हिजबुल्ला के लड़ाके अपने संगठन से संपर्क में रहने के लिए दशकों पुरानी तकनीक, जिसे पेजर्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला को डर है कि अगर फोन का इस्तेमाल किया तो इसराइल इसे हैक कर सकता है। इसी पेजर्स डिवाइस और कई जगह वॉकी टॉकीज जिसे हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं, उसमें अचानक सायरन बजकर विस्फोट हो गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल के इस अटैक से दुनिया हैरान है। वहीं पेजर्स और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों में डर यह है कि किसी समय कुछ भी विस्फोट हो सकता है। इसराइल के इस हमले के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने इसराइल को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। हिजबुल्ला ने आज यानी 19 सितंबर को रॉकेट से इजरायली तोपखानों के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्ला की यह कार्रवाई लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट के बाद की गई। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अब मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इन हमलों को लेकर पूरी दुनिया से रिएक्शन आया है। मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सिसी ने तनाव बढ़ाने वाली हरकत पर आपत्ति जताई है और लेबनान के समर्थन का ऐलान किया है, जबकि जॉर्डन ने इसराइल पर क्षेत्र को युद्ध की बर्बादी में धकेलने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका ने मिडल ईस्ट के देशों से संयम बरतने की अपील की है, तो वहीं रूस ने युद्ध फैलने की आशंका जताई है।